भारत की आजादी के पहले की बात है। लाहौर में तांगा चलाने वाले मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर को कहाँ जाना मांगता है। गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी। मंगू कहता है किराया 5 रुपए होगा। फिर दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते ही देखते मंगू उसे जमकर लात घूंसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ ही देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो सुना वो सआदत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया। वजह है, दरअसल हीरा मंडी लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इसी हीरा मंडी के ऊपर संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। इतिहास में छौका लगाना भंसाली का हुनर भी है और ऐप भी। तो सोचा ये सीरीज रिलीज हो उससे पहले हम आपको हीरा मंडी के बारे में असली और दिलचस्प इतिहास बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज सुनाई जाती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक की ताप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कालिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तर समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रही और इस दौरान इस शहर ने कई रंग देखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया और चूंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में तवायफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीके को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवायफों को वो ओहदा हासिल था कि लोग अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवायफों और शाही मोहल्लों की ये शान बरकरार रही, लेकिन फिर 18वीं सदी में ये शान शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ता था, सो वो भी न बच सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि एक कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, यानी कि जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी में और दूसरा मोहल्ला दारा शिकोह में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा लाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवायफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए कि तब वेश्या होना और तवायफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तवायफ की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहां तक जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवायफ से शादी कर ली, जिसके चलते हरमंदिर साहिब ने उन्हें कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई। हालांकि इस पर भी मतभेद है और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी हुई नहीं थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। अब जानिए इस इलाके का नाम हीरा मंडी कैसे पड़ा।
सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा। महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवायफों के इस मोहल्ले में काफी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया, जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवायफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर दो एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। इसी हार से कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप मदद ले सकते हैं एक ऑडियो बुक की। मिस्ट्री ऑफ कोहिनूर नाम की ये ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, उपन्यास, पौराणिक कहानियां, फाइनेंस बुक्स, हेल्थ बुक्स समेत कुल 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स के परिवार से जुड़ने का न्योता लेकर कुकू एफएम आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहा है। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% की छूट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50 कोड। खैर, हीरा मंडी पे वापस लौटते हैं। अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवायफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए। तवायफे रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नजदीक था। सबसे ज्यादा तवायफे यहीं रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और शहर के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वो तवायफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और सम्भ्रांत लोग यहाँ चलकर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूर जहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यही था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हजारों की भीड़ उमड़ी थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की ये खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम न रह सकी। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान शौकत बरकरार न रह सकी। इसके बावजूद तवायफ का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा। फिर 1978 में जियाउल हक तानाशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जियाउल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवायफ हीरा मंडी से बेदर हो गई। बाद में तवायफ के पेशे की जगह वेश्यावृत्ति ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझे जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाली जिस्म भरोसी के कारोबार में गुम हो गया। जहां तक भंसाली की इसी नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है, भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सावरिया बनाने में लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि इस पर वेब सीरीज बनाने का फैसला लिया गया। कहानियों का शौक है तो जैसा ऊपर बताया था, आप कुकू एफएम की मदद ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तारिक के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिएगा द लल्लन टॉप।